मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आजकल एक्सपेक्टेशन थ्योरी। तो जो एक्सपेक्टेशन थ्योरी है इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो उस पार्ट को ख़त्म करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं अगर हमारे पास टाइम बचा तो। देखो क्लास, लाकल यानी कि फ्राइडे को हम लोगों ने पढ़ा एक्सपेक्टेशन थ्योरी, जो एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस भी बोलते हैं इसको, और इसको एक्सपेक्टेशन थ्योरी भी बोलते हैं। इस थ्योरी में आपने दो चीज़ें लर्न किया, जस्ट आई एम गोइंग समराइज माई ओपिनियन जो भी मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट बताया था कि शॉर्ट रन सिक्योरिटीज जो परचेज करता है या शॉर्ट रन मैच्योरिटी है उसकी जो वैल्यू है इज इक्वल टू लॉन्ग रन की वैल्यू होगी। मतलब वैल्यू ऑफ लॉन्ग रन सिक्योरिटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ शॉर्ट रन सिक्योरिटी। लेकिन शॉर्ट रन की कई मतलब एक्सपेक्टेशन को हम क्या करते थे, ऐड करके उसको हम ओवरऑल ईयर से डिवाइड करके तो हम लॉन्ग टर्म निकालते थे। इसके बाद मैंने दो चीज़ें आपको और बताई। मैंने बताया कि अगर लॉन्ग रन की जो वैल्यू इज ग्रेटर देन शॉर्ट रन है की वैल्यू है, इसका मतलब वो शॉर्ट रन की सिक्योरिटी को परचेज नहीं करेगा। मतलब वन ईयर के लिए या टू ईयर के लिए परचेज नहीं करेगा, फिर क्या करेगा, सीधे वो 30 जितना साल एक्सपेक्टेड है वो परचेज करेगा। अगर ये शॉर्ट रन सिक्योरिटी इज ग्रेटर देन लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन की पॉलिसी को परचेज नहीं करेगा। ये हम लर्न कर चुके हैं। इसके बाद क्लास मैंने एक जनरल फार्मूला बताया था। फार्मूला है, इसको आप समझ लेना क्योंकि एग्जाम भी आपको पास करना है और आपको न्यूमेरिकल्स लगाने भी हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का निकालना है तो वन प्लस, देखो मैंने आई की जगह पर इंटरेस्ट रेट की जगह पर क्लास मैंने आर कर लिया क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन देता है वो आई आई, ठीक है। तो वन करंट मतलब वन प्लस जितने साल का लेना चाहते हैं, आर का मतलब इंटरेस्ट रेट है, एन का मतलब है ईयर। तो जितने साल का इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं, जितने साल का आप इंटरेस्ट रेट लेना चाहते हैं उतने ईयर को क्या करिए आप एन से, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, वन प्लस, तो हमें क्या करना है, वन प्लस आर था यानी कि करंट ईयर, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड ईयर, अगेन नेक्स्ट सेकंड ईयर। इट्स नॉट क्लियर, सच्ची बताओ क्लास। ओके सर, देखो क्लास क्या है कि हमने अगर लॉन्ग टर्म का निकालना है, लॉन्ग टर्म का हमें निकालना है तो वन प्लस आर, ठीक है, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेशन, और इसके बाद का नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन क्या है, अगेन थ्री ईयर का एक्सपेक्टेशन क्या है, और आप एन ईयर जितना साल चाहे आप ले सकते हैं। तो यानी कि क्या करना है आपको, इस तरह से सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। अगला क्या है क्लास, इसी तरह से आप अगर उसका रूट निकालेंगे, जब आपका तो रूट निकालने का फार्मूला वही था कि आप एन इक्वल टू कर देंगे इधर आएगा, फिर अगर पर्टिकुलर से एन ईयर का लेना है तो वन इधर आ जाएगा, वन माइनस हो जाएगा। आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये सब बताऊं। फिर मैंने क्या फाइनल किया था क्लास, एक फार्मूला हमारा निकला था, वो निकला था ये फार्मूला हमारा निकला कि अगर आपको मतलब नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की यील्डिंग क्या होगी, और आपके सामने करंट ईयर दिया गया है, तो एक्सपेक्टेड जो आप अनुमान लगाते हैं, तो आप एक्सपेक्टेशन को यहाँ रखेंगे नेक्स्ट ईयर का, तो यानी कि टू ईयर हो गया करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, तो सेकंड ईयर यहाँ रखेंगे, तो यानी कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट रेट आप निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला बन गया था। फिर आपको मैंने लर्न कराया था कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन निकालना है नेक्स्ट ईयर कितना एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेशन थ्योरी, तो आप एक्सपेक्टेशन निकालना है क्लास, तो क्या करेंगे, ये देख लीजिए कि नेक्स्ट ईयर का इतना आएगा, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है और जो ईयर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस करंट इंटरेस्ट रेट से माइनस कर देंगे। यहां तक आपको मैं करा चुका था। अब आपको थोड़ा सा मुझे ये बताना है क्लास, देखिए ध्यान समझना, मैं बोलता हूं क्लास कि आर करंट का है 0.4, करंट का है 0.4, और सर आर टू मीन्स एक्चुअल रेट,
यस, जो लॉन्ग टर्म, आर टू का मतलब क्लास लॉन्ग टर्म में क्या आएगा, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म निकालते हैं ना, तो ये लॉन्ग टर्म आएगा, ठीक है, मतलब एवरेज, ठीक है। और बेटा जी अगर मैं देता हूं आर टू है 0.08, ठीक है बेटा, अगर 0.08 है तो अगर आपसे पूछो कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन क्या है, तो आप निकालिए नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन कितना आएगा, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन कितना आएगा, मैं नहीं निकालने वाला, मैं निकालूंगा नहीं, आप बताइए। तो यानी कि क्लास नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे, 12%, गुड। देखो क्लास ये फार्मूला है, आपको इस फार्मूले को याद करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये फार्मूला याद रहेगा तभी आप निकाल पाएंगे। तो फार्मूला है कि नेक्स्ट ईयर आपको जैसे 0.8 दे दिया गया है, तो यानी कि हमने 0.8 दे दिया है प्लस इज इक्वल टू करंट दे दिया मैंने 0.4 प्लस एक्सपेक्टेशन, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन है कि कितना आर आएगा अपॉन टू ईयर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन वन आर इज इक्वल टू, हाँ 0.8 आर होगा, सही तो है, तो क्या है, पॉइंट जीरो एट, मैं थोड़ा गलती कर रहा था प्लीज, ठीक है। तो क्लास क्या निकलेगा, जीरो पॉइंट ट्वेल्व, क्लास क्लियर है, थैंक यू। अब हम आगे चलते हैं क्लास, इतना आपको आ गया भाई, मुझे इसलिए प्रीवियस नॉलेज देना था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रहे आपको। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो बातें क्लियर हो जाएगी, लेकिन इसके पहले अब आपको दो चीजें पढ़ना है क्लास, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब आपको पढ़ना है क्लास कि एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्टेड हाइपोथेसिस एंड यील्ड कर्व, एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस एंड यील्ड कर्व। अब आपको यील्ड कर्व बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए क्लास क्या करेंगे आप, मैं एक एग्जांपल देता हूं आप बना लीजिए। देखो कहता है बेटा कि अभी हम शॉर्ट रन की बात करेंगे यहां पर, ठीक है। तो है शॉर्ट रन, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं कि अगर वन ईयर है, वन ईयर मैच्योरिटी है, वन ईयर पे ये कह रहा है कि 4% आएगा। कोई भी आप सीडी परचेज करते हैं, सर्टिफिकेट डिपॉजिट करते हैं, तो कह रहा है कि वन ईयर पे हम 4% एक्सपेक्टेड है, मतलब 4% है, और कहता है कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड हो जाएगी टू ईयर के लिए, टू ईयर का क्लास हो जाएगी ये 5%। तो आपका यील्ड कर्व कैसा बनेगा, यील्डिंग कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, फैटर, यस अपवर्ड हो गया फिलहाल। और अगर क्लास दूसरा है, अगर इंटरेस्ट रेट दे देता है वन ईयर के लिए, वन ईयर का 4 है, अगर एक्सपेक्टेशन 4% है, हम 3 ले लेते हैं, तो अगर इसको हम बना दें तो कैसे बनेगा क्लास, आप बना दीजिए पहले, एक एक करते हैं प्लीज।
क्लास अगर हम एक एक ही करते हैं यार, वाई डिस्टर्बिंग, ठीक है, तो इस केस में हमारा जो है यील्ड कर्व बनेगा क्लास वन ईयर टू ईयर। तो यहां पर नीचे क्या लिखेंगे, शॉर्ट टर्म्स रेट और एक्सपेक्टेड टू हाई एक्सपेक्टेड टू राइज। अगर आपको लगता है कि एक्सपेक्टेड टू राइज है तो इस केस में हमारा बनेगा ये 4% है और ये हमारा हो गया 5% है। इंटरेस्ट रेट, ये आपका यील्ड कर्व बन गया बेटा। ठीक है, तो यानी कि यील्ड कर्व जो है कैसे बनेगा, आपका अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ठीक है, अगर क्लास वो बोलता है कि नेक्स्ट ईयर जो एक्सपेक्टेशन है हमारी है, अभी हम लॉन्ग रन नहीं बता रहे हैं क्लास, याद रखना हम सिर्फ शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन तो हम नहीं बनाएंगे, अगर हमें शॉर्ट रन बनाना है, शॉर्ट रन के एक्सपेक्टेशन मिला करके एवरेज निकालेंगे तो आपका लॉन्ग रन बन जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग रन तो इंडिविजुअल होता है तो उसका तो नहीं दिखा सकते ना, शॉर्ट रन मिला करके लॉन्ग रन में क्या आएगा। तो शॉर्ट रन का अगर है कि 2 साल का देखेंगे, एक्सपेक्टेशन 5% है, करंट में 4 है, एक्सपेक्टेशन 5 है, तो आपका बन जाएगा अपवर्ड स्लोपिंग। अगर एक्सपेक्टेशन है सेम 4% की, अगर सेम एक्सपेक्टेशन है क्लास कि 4% ही रहेगी, तो आपका यील्ड कर्व ऐसा हो जाएगा। इसमें 1 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए, लेकिन आप यहां पर क्या लिखेंगे कि एक्सपेक्टेड रेट कांस्टेंट, एक्सपेक्टेड रेट कांस्टेंट। अगर आपका एक्सपेक्टेड रेट कांस्टेंट है तो फ्लैटर हो जाएगा, गुड। अगर लगता है कि एक्सपेक्टेड रेट आपका बेटा क्लास इन फ्यूचर में क्या होगा, सेकंड वाला दोबारा बेटा, सेकंड दोबारा है कि सपोज दैट करंट मा करंट का जो इंटरेस्ट रेट है, जो कि कंपो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है, उस पर जो आपका यील्डिंग है वो 4% मिल रहा है, और आप ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि 4% ही रहेगा इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेशन के आधार पे, एक्सपेक्टेशन के बेस पे आप जो है इस ग्राफ को ड्रा कर रहे हैं, तो ये दिखाएगा कि हमारा यील्डिंग है वो फ्लैटर हो जाएगा। तो ये स्टीपर होगा जब लगता है कि हमारा यील्डिंग हाई होगा, ठीक है, और ये फ्लैटर होगा जब लगता है कि ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि यील्डिंग कांस्टेंट है। अगला है क्लास में, अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर वो आपका डिक्रीजिंग होगा, आपको लगता है कि नेक्स्ट ईयर जो है अब इंटरेस्ट रेट फॉल होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप एक्सपेक्टेशन कर रखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि अगला जो ग्राफ बनेगा वो आपका बनेगा क्या बन जाएगा क्लास, डाउनवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा आपका। यस, सो डाउन बने में हो जाएगा। सपोज दैट आप सोचते हैं कि 4% है 1 ईयर का, ठीक है, लेकिन आपको लगा कि इन फ्यूचर में 2 ईयर का 3% हो जाएगा, तो इस केस में जो यील्डिंग कर्व है आपका वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। मतलब अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकता है, फ्लैटर हो सकता है, जैसे स्टार्टिंग में हम पढ़े थे कि टर्म स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, तो ये क्या है, टर्म स्ट्रक्चर रेट है, और जो टर्म स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर के मार्केट के एक्सपेक्टेशन पे, जो एक्सपेक्टेशन करते हैं उसके बेस पे। तो हम एक्सपेक्टेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम एक्सपेक्टेशन के बेस पे जो ग्राफ बनाते हैं वो एक्सपेक्टेशन ग्राफ या तो अपवर्ड होगा, या तो फ्लैटर होगा, या तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा,
और एग्जांपल आपको खुद ही फाइंड करना है और उसको लगाना है कि क्या बनेगा क्लास। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लीजिए होगा। ओके अब बेटा मैं एग्जाम्पल है भाई, मैं तो लगाऊंगा नहीं, आप ही लगाएंगे। मैं पूरा एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आपका एक एग्जाम्पल है बेटा कि सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन वन ईयर सीडी पर 5% है। मतलब मैं लिख देता हूं कि सीडी है, इस पर वन ईयर का इंटरेस्ट रेट है 5% एंड टू ईयर 4% टू ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है और कह रहा है क्लास कि थ्री ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। सो प्लीज आप पहले यील्डिंग कर्व बनाइए और बताइए कि यील्डिंग कर्व कैसे बनेगा। पहले प्लीज आप यील्डिंग कर्व बताइए, शेप क्या बनेगी, व्हाट आर द शेप ऑफ यील्डिंग कर्व। बेटा कैसे बनेगा यील्डिंग कर्व, पॉजिटिव नेगेटिव बी शेप। सर थोड़ा कैमरा ऊपर कर दो, यस। अरे चीटिंग कर रहे हो रीडिंग से क्या सर, डाउनवर्ड देन अपवर्ड। ओके बी सेफ हो गया, ठीक है, थैंक यू। आप कैसे बनाएंगे क्लास, वन ईयर का है ससुरा 5%, ओके एंड टू ईयर का है 4% और थ्री ईयर का है 8%। बड़ा गंदा सा बना है, आप लाओ हंसना मत, ठीक है। सो यील्डिंग कर्व बना वी शेप, ठीक है, इसको लिख देना, समझा देना। अब मुझे आप बताइए इसी का अगला आंसर है क्वेश्चन बेटा कि डिटरमाइन द फॉर कॉस्ट ऑफ वन ईयर डिटरमाइन द मार्केट फॉर कॉस्ट। मतलब आपने आपको डिटरमाइन करना है कि मार्केट का मतलब एक्सपेक्टेशन फॉर कॉस्ट वन ईयर रेट नेक्स्ट ईयर, वन ईयर रेट के बेस पे आप नेक्स्ट ईयर का फॉर कॉस्ट निकाल के बताइए कितना आएगा, नेक्स्ट ईयर का फॉर कॉस्ट कितना आएगा। अगर आपके सामने इंटरेस्ट रेट दिया गया है तो कैसे निकालेंगे सर, नहीं आया क्यों सर, समझ नहीं आया। आपको ये बताना है बेटा कि करंट में 5% है, ध्यान समझना, करंट है 5% है, ओके, और आपका जो है एक्सपेक्ट और सेकंड ईयर का है 4% है। करंट ईयर का 5% है, सेकंड ईयर का 4% है। तो यार अब आपको मैं बोलूं कि ये 4% आ गया है, सर करंट कॉस्ट क्या है 5 है, करंट 5 है। भाई कह रहा है कि वन ईयर रेट नेक्स्ट ईयर,
वन ईयर के बेस पे नेक्स्ट ईयर का आपको एक्सपेक्टेड निकालना है। तो आपको एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा, अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला बताए थे कि एक्सपेक्टेड ऑफ वन ईयर इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 3%। गुड, लेकिन कैसे निकालेंगे पहले देख लीजिए, कैसे निकालेंगे बेटा। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर आर कितना है, आर कितना है 0.05 है, आर कितना है 0.05 है, और दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट कितना है, दूसरे साल का इंटरेस्ट रेट आपको दिया गया है कितना बेटा, आर टू दिया गया है, आर टू दिया गया है 0.04। तो आपको फार्मूला क्या होता है, 0.04, ठीक है, यानी कि फार्मूला होता था आर टू इज इक्वल टू, यस आस्था भी सही आया, आर टू इज इक्वल टू आर प्लस एक्सपेक्टेशन, पहले साल का एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के बेस पे एक्सपेक्टेशन क्या है, करंट ईयर ये है, नेक्स्ट ईयर ये है, तो नेक्स्ट ईयर का बेस क्या है, आर वन कितना आएगा अपॉन, इन दो सालों का लेना है तो टू, अब कितना निकलेगा अब तो बताओ, तो यहां पर कितना है आपका 0.04 और इज इक्वल टू साला 0.05 प्लस एक्सपेक्टेशन आर अपॉन टू। तो आगे कैसे निकलेगा बेटा, एक्सपेक्टेशन वन ईयर इज इक्वल टू 0.04 इंटू टू माइनस 0.05, ऐसे तो करते थे आर, यस ऐसे करेंगे तो कितना निकलेगा बेटा, भाई आया था 0.03, 8% कांस्टेंट बेटा। अभी हमने सिर्फ, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने 8% की बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने आपसे सिंपल पूछा कि सिर्फ इन दो सालों का, मतलब इस साल का निकाल के बताओ, हमने 3 साल का नहीं पूछा, हमने बोला कि 1 साल के बेस पे, करंट के बेस पे नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन बताइए। तो जब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन बताएंगे तो सिर्फ आप दो ही लेंगे नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन, और फिर इसके बेस पे कितना आया, सबको पता गया 0.03 इक्वल टू 3% आ गया, ठीक है। अब एक इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए आप क्लास, और एक्सटेंड कैसे करेंगे, अब अगला बताता हूं कि नेक्स्ट ईयर का, यानी कि इस साल कितना आएगा, तीसरे साल का एक्सपेक्टेशन निकालना है। आपने तो सेकंड ईयर का निकाल लिया, सेकंड ईयर का एक्सपेक्टेशन निकाला कि 3% आएगा, तो फिर तीसरे एरिया थर्ड ईयर का एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, थर्ड ईयर का एक्सपेक्टेशन कितना निकलेगा। तो फार्मूला वही है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, अब फार्मूला क्या बन जाएगा, मिटा रहा हूं बेटा, फार्मूला अब देखो कितने साल का निकालना है, तीसरे साल का निकालना है, जब आपको तीसरे साल का निकालना है यहां R3 हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू R1 एक्सपेक्टेशन 1, तो यहां 3 आ जाएगा प्लस एक्सपेक्टेशन 2 R। अब निकाल के बताओ क्लास, बता दो भाई कितना आएगा बेटा, सर 0.16 श्रुति, वाह गुड मैथ यार, बहुत टैलेंटेड हैं आप लोग, थैंक यू। तो अभी कैसे करें, कैसे निकालेंगे बंसी, क्या समझ में आ गया, यासी क्या कैसे समझ में आ गया, क्योंकि हमने 1 साल का निकाल लिया है क्लास, 1 साल को तो निकाल लिया है, तो अब आप क्या कीजिएगा, ये कितना है 0.8 इज इक्वल टू
0.05 प्लस ये आपको मिल ही गया है, ये आपका 0.03 मिल गया प्लस E2R/3। तो यार आप लगा लिया है तो छोड़ दो, फाइनली कितना आएगा क्लास, जब हम फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो, अरे यार लिख देते हैं यार सीधे 16% आ गया। ओके तो क्लास देखो, आपने इस चैप्टर में भैया क्या क्या लर्न किया एक बार बताता हूँ, और एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन ये समझ लेना। सबसे पहली बात तो आ जाता है कि व्हाट इज द यील्ड कर्व, क्या होती है या टर्म स्ट्रक्चर क्या है, फिर बोलेगा कि अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, फ्लैटर हो सकता है, ये तो टर्म स्ट्रक्चर आ गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया एक्सपेक्टेशन थ्योरी, एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में आपका करना इसका पहले एजम्पशंस बताने हैं, एजम्पशंस के बेस पे आप जनरल फार्मुलेशन कर देना, और जनरल फार्मुलेशन करने के बाद आप कुछ न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल लेकर के आप दिखा देना कि हम फॉरकास्टिंग कर सकते हैं। जनरल फार्मुलेशन के बेस पे हम नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं, जैसे हम अभी निकाल रहे थे। इसके बाद इसका भी तीन तरह के शेप बना देना, डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, फ्लैटर हो सकता है, ये सारी चीज़ें तीनों दिखा देना, ठीक है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है जो आप कर लेना, बस यही था। तो ये थ्योरी इतना ही है। अब इसके बाद जो थ्योरी आएगी, अगली थ्योरी में हम पढ़ेंगे वो है थ्योरी क्लास सेगमेंटेड, सेगमेंटेड हाइपोथेसिस। इसके बाद एक और थ्योरी है, तो अभी आगे पढ़ें या बंद करें भैया बताओ। मुझे तो ऐसा करता कि यार रहने देते, कल से स्टार्ट करते हैं, पर आप बताइए। सेगमेंटेड में क्या था क्लास कि बस बाद में, ठीक है। तो देखो इतना हो गया, आप भी थक गए होंगे सुबह से, ठीक है, कल से करना है, ठीक है सर। तो नेक्स्ट थ्योरी हम कल पढ़ेंगे सेगमेंटेड, और सेगमेंटेड थ्योरी में कुछ नहीं है जैसे इसमें है, वो इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें सिर्फ थ्योरी थ्योरी है, ठीक है।